जय श्री कृष्णा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हमारी सरस्वत, योर डांस टीचर। भजन कीर्तन में ढोलक के साथ डांस कैसे करें, इस सीरीज के प्रीवियस वीडियोस में हम पैरों को कैसे चलाना है ये सीख चुके हैं। भजन कीर्तन में ढोलक के साथ गीत गानों में जो पैर चलाए जाते हैं वो हम पहले के वीडियोज में सीख चुके हैं, और उनके साथ हाथों को कैसे चलाना है वो भी हमने सीख लिया था। लास्ट वीडियो में हमने पैरों को चलाने के 4 न्यू स्टेप्स और सीखे थे जो कहीं कहीं यूज होते हैं, जिससे हमारा डांस ग्रेसफुल लगता है। आई होप कि आपने उन सभी वीडियोस को अच्छे से देख लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लास्ट वीडियो में जो हमने पैर चलाने के 4 न्यू स्टेप्स और सीखे थे उनके साथ हाथों को किस तरीके से चलाना है, ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, इससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पैरों के जो स्टेप्स हमने सीखे थे लास्ट वीडियो में, हमने पैरों को चलाने के 4 न्यू स्टेप्स और सीखे थे। आज उनके साथ हम हाथों के स्टेप्स सीखेंगे कि उनके साथ हमें हाथों को किस तरीके से यूज करना है। चलिए देखते हैं वो स्टेप्स हमारे क्या थे। पैरों का पहला स्टेप हमारा क्या था, जिसमें हमने नॉर्मल अपनी पोजीशन पे खड़े थे, राइट लेग को हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये था हमारा पहला स्टेप पैरों का। अब इसके साथ हम हाथों का यूज किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लहंगे का यूज जो होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है भजन कीर्तन में ढोलक पर, क्योंकि हमने जो भी ड्रेस पहना होता है उसका जो घेर होता है ना उस तरीके के बहुत सारे स्टेप्स लहंगे के ही बनते हैं, जो हमारे भजन कीर्तन में हर जगह कहीं ना कहीं हमारे काम आते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें अपनी ड्रेस को इस तरीके से होल्ड करना है, देन अगर घेर है तो आप उसको अच्छे से पूरा घेर के साथ भी पकड़ सकते हैं। आपने इस तरीके से लिया ड्रेस को, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें उस घेर को भी रिदम में करना होता है, ये नहीं कि बस हमने किया और कुछ भी किए जा रहे। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो उतना सुंदर नहीं लगेगा, अगर आप उस स्टेप को भी अपने पैर के साथ मैच करके रिदम में करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमने राइट के साथ राइट लेफ्ट जैसे हम पैर चला रहे वैसे ही हमें हाथों को चलाना है। तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमें अपने कॉस्ट्यूम को इस तरीके से होल्ड करना है और उसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना एकदम इजी। मोस्टली आपने देखा होगा जब हम भजन कर रहे थे, भजन कीर्तन में जब भी हम डांस कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें कितनी बार इस तरीके की चीजें आती है कि आपने कोई स्टेप किया, देन आपने अपने लहंगे को, ड्रेस को, साड़ी जो भी आपने वियर किया हुआ आप उसे पहन के घूम गए, तो वो स्टेप वहां बहुत अच्छा लगता है। तो आपका ये स्टेप हो गया पहला हमारा लहंगे को फोल्ड करके जो हमने करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सेकंड स्टेप हमारा पैरों का क्या था, उसके साथ भी हमारे पैरों के जितने भी स्टेप हमने सीखे थे हाथों के स्टेप सभी उनमें यूज होंगे, किस तरीके से चलिए देखते हैं। अब जो स्टेप हमें आगे आना था उसमें भी 1 2 3 4 पैरों के डायरेक्शन के साथ ही हमें हाथों के स्टेप को मैच करना है, तो हम आगे कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, पैरों का स्टेप हमारा सेकंड क्या था, 1 2 3 4, हमें इसमें लहंगे को इस तरीके से होल्ड करके 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक आपको क्लियर भी हो गया होगा। नाउ थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप था हमारा 1 2 3 4, ये स्टेप था हमारा जिसमें हमने कमर को 8 बनाते हुए इस डायरेक्शन में मूव करना था। अब हमने अपने लहंगे को पकड़ा हुआ है, हमने किया 1 2, अब अभी तक तो हम चला रहे थे 1 2 3 4 इस तरीके से कर रहे थे क्योंकि हमारा स्टेप इस तरीके का था। अब जब हमारा स्टेप इस तरीके का जिसमें ऐसे जा रहा है तो हमें उससे मैच करना है, जब हम राइट को करेंगे तो राइट साइड हमने लिया, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, तो हमें हाथों के स्टेप को पैर के अकॉर्डिंग ही सेट करना है। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एना इजी। तो आपने देखा कि एक ही स्टेप से हमने अलग अलग पैरों के स्टेप में जब हम ऐड करेंगे तो स्टेप्स बहुत सारे बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं।
एक लास्ट हमने स्टेप सीखा था जंप का, उसमें भी हमें अपने लहंगे को इस तरीके से पकड़ना है अपनी ड्रेस को, देन हमें जंप 1 2 3, अब हल्का सा 1 2 3, देन अगर हम जंप कर रहे हैं 2 2 टाइम करके, यानी कि 1 2 राइट साइड लेफ्ट 1 2, बस आपको उस ड्रेस को उस पैरों के स्टेप के अकॉर्डिंग ही सेट करना है। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि पैरों के सभी स्टेप के साथ हाथों के स्टेप को कैसे करना है। सबसे पहले हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकेंड हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 8, नाउ फोर्थ हमने किया 1 2 3 1 2 3 4। जंप का स्टेप हमें ढोलक को सुनते हुए, उसकी बीट को सुनते हुए ही जंप करना है। आई होप कि आपको पहला स्टेप अच्छे से समझ में आ गया हो। नाउ स्टेप टू, वो भी एकदम इजी। हमें अपने दोनों हाथों को कमर पे इस तरीके से रखना है कि बस सामने हमें इस तरीके से दिखाई देते, हाथ हमने हल्का सा हथेली को पीछे की तरफ रखा है, दोनों हाथों को हमने कमर पे रखा, यही हमारा स्टेप है। अब हाथों को कमर पे रख के हम सारे स्टेप्स कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारा स्टेप था, उसके साथ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें जबकि दोनों हाथ हमारे लॉक हो गए हैं कमर पे, तो हमें अपने शोल्डर के साथ हल्का सा बीट को मैच करके करना है, यानी कि जो हम पैरों के स्टेप कर रहे हैं उसमें हम कमर और अपने शोल्डर्स को मूव करेंगे, क्योंकि हमारे दोनों हाथ हमने कमर पे रख लिए। तो कैसे किया बस स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सेकेंड स्टेप कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना इजी। थर्ड स्टेप करना हो हमें, हाथ हमारे ही रहेंगे पर, अब थर्ड स्टेप में जब एक पैर जा रहा है तो एक ही शोल्डर को हमें मूव करना है, पहले राइट देन लेफ्ट, राइट लेफ्ट 3 4 5 6 7 8। और जंप करना हो तो इसी पोजिशन पर हमें जंप करना है, 1 2 3 1 2 3 4। ये स्टेप मोस्टली कृष्ण जी का भजन हो उसमें हमें कृष्ण जी को दिखाना है, तो हम वहां ऐसे करके जंप कर सकते हैं, और हमें किसी भी कैरेक्टर में कृष्ण जी हैं उनकी चाल को दिखाना है तो हम वहां पे इस तरीके से स्टेप कर सकते हैं। आप इस स्टेप को बहुत जगह यूज कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में मैं बताऊंगी आपको कि भजन किस भगवान का है, तो वहां हमें किस तरीके के स्टेप करने हैं वर्ड टू वर्ड, वो हम आगे के वीडियोस में भी सीखेंगे। आई होप कि आपको ये सेकंड स्टेप भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज करते हैं। सेकंड स्टेप हमारा था, हमारे दोनों हाथ पर रखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 1 2 3 4। आई होप कि आपको सेकंड स्टेप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, पैरों के चारों स्टेप के साथ हमें कैसे करना है। नाउ स्टेप 3, हाथों का थर्ड स्टेप हम क्या यूज कर सकते हैं। हम अपने दोनों हाथों को ऊपर इस तरीके से होल्ड करेंगे, आप फिंगर से पकड़ सकते हैं, आप हाथों को दोनों को इस तरीके से पकड़ सकते हैं, आप फिंगर से लॉक करके आप पकड़ सकते हैं, आप किसी भी तरीके से हमें हाथों को फोल्ड करना है आपस, आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे उसको यूज कर सकते हैं। दोनों हाथों को हमने यहाँ होल्ड किया, देन यही हमारा स्टेप है 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें अपने पैर के अकॉर्डिंग ही इसे मैच करना है। तो पहले स्टेप को कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे हमारे पैर चल रहे हैं हाथ उसी डायरेक्शन में मूव होंगे, तो है ना इजी 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड स्टेप हमारा उसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड स्टेप हमारा 1, अब थर्ड के साथ 1 टाइम 1 टाइम राइट लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ जंप 1 2 3, देन आप ग्राउंड पे ले सकते हैं, आप रुक भी सकते हैं। सेकेंड हमने जंप
1, 2, 3, 4 जंप को हमें ढोलक की बीट के अकॉर्डिंगली मैच करना है। आई होप कि आपको ये स्टेप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ स्टेप फोर हम रखेंगे दोनों हाथों को इस तरीके से, दोनों हाथों को हमने आगे रखा है जैसे कि हमें कोई दुपट्टा पकड़ा हुआ हो, इस तरीके से हमें स्टेप करना है। इस स्टेप को हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेम वैसे ही करना है जैसे हम सारे स्टेप्स को कर रहे थे पहले साथ मैच करते हैं। कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेकेंड स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 थर्ड स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जंप 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 आई होप कि आपको ये स्टेप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से अपने पैरों के चारों स्टेप के साथ करना है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं फोर्थ स्टेप को। हमारा स्टेप था हमें दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेकेंड स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 थर्ड स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाउ जंप 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 आई होप कि आपको ये फोर्थ स्टेप भी अच्छे से समझ में आ गया हो। आप इन सभी स्टेप्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अलग अलग सॉन्ग प्ले करिए, अलग अलग बीट के साथ स्लो, पहले आप स्लो प्रैक्टिस करिए फिर धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को इंक्रीज करिए। आई होप कि आपको चारों भी स्टेप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन चारों स्टेप्स को जो हमने पहले पैर चलाना सीखा था, जो हमने पहले फोर पैर चलाने के पैटर्न सीखे थे, आप इन चारों स्टेप्स को उन पैरों के साथ भी कर सकते। आप ये सारे स्टेप्स कहीं भी किसी भी पैर के साथ यूज कर सकते। तो आप इन सभी स्टेप्स की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक बार इन सभी स्टेप्स को हम ढोलक की बीट के साथ देखते हैं कि कैसे लगते हैं। स्टेप 1 देखा आपने सारे ही स्टेप जो हमें बहुत ही सिंपल लग रहे थे, लेकिन जब हमने उन्हें म्यूजिक के साथ किया, ढोलक के साथ किया, तो वो सारे ही स्टेप्स कितने सुंदर लग रहे थे। बस आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कंफर्ट हो जाएंगे इन स्टेप्स के साथ और आप कभी भी कहीं भी किसी भी बीट के साथ अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हाथों के इन फोर स्टेप्स को ही हम बहुत सारे स्टेप्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने पहले देखा था हाथों के फोर स्टेप्स से हमने बहुत सारे स्टेप्स बना दिए थे खुद से, ऐसे ही हाथों के ये फोर स्टेप्स जो बहुत ही इजी हैं, इनको हम कितने तरीके से कर सकते हैं। छोटा छोटा सा चेंज करके हम एक ही स्टेप से बहुत सारे स्टेप्स बना सकते हैं। ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इन स्टेप्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही।
अब यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो या आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।